यूट्यूब चैनल एनक्लेक्स गुरु, सब्सक्राइब IGMS पटना मेमोरी बेस्ड पेपर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे IGMS पटना का पेपर का, जो आज हुआ था वो मेमोरी बेस्ड पर आधारित पेपर का कुछ पॉइंट्स बनाए हैं दोस्तों, क्योंकि अभी ऋषिकेश का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो कुछ मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि ये IGMS पटना में जो पेपर आया था उसके बारे में, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से एक आध दो क्वेश्चन ऋषिकेश एम्स में आ जाए। देखो, सिम्टम ऑफ पाइलोरिक स्टोनस, सबको पता है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है। कॉप्लिक स्पॉट मिजल्स में दिखाई देते हैं, और ये कौन से स्टेज में होते हैं? प्रोडर्मल फेज में। पल्स असेस बाय थ्री फिंगर्स, फिंगर से अपन असेस करते हैं पल्स को, थंप से कभी असेस नहीं करते हैं। मेट्रोनिडाजोल गिवन इन, मेट्रोनिडाजोल किस में देते हैं? डिसेंट्री में। किडनी स्टोन वाले पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग और पेन हो रहा है, तो सबसे पहले कौन सी प्रायोरिटी रहेगी अपनी? पेन की। ग्लूकोमा पेशेंट को अवॉइड कैफीन एंड कार्बोनेट बिरवेज, ये IGMS के पटना के पेपर के अनुसार इसको करेक्ट मानेंगे, क्योंकि जो कैफीन क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और पेपल्स को डायलेट करता है, तो इससे क्या होगा, उसमें एक टीवी वाला वाचिंग वाला भी है, लेकिन टीवी वाचिंग वाला को तो अपन एक और क्या, और टीवी वाचिंग तो अवॉइड ही करना है, क्योंकि उसके अंदर फ्लिकर्स होते हैं, तो एक घंटा दो घंटे से मतलब नहीं है अपन को, तो अवॉइड ही करना है उसको। तो इसमें कैफीन एंड ब्रिवेज उसके अनुसार करेक्ट है। नेशनल हेल्थ डे 7 अप्रैल। हाउ मैनी सलाइवरी ग्लैंड, पैर में, तीन पैर में होती। टीबी की फर्स्ट कैटेगरी में कितने दिन के लिए देते हैं? 6 महीने के लिए। अगर सेकंड कैटेगरी आता है तो 8 महीने के लिए। बैग ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर, फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, जब पूरी डायलेशन हो जाएगी सर्विक्स तब रप्चर हो जाएगा। 50% बर्न में 8 आवर में कितना फ्लूड? 8 आवर में देखो दोस्तों 2200 ml फ्लूड देंगे, क्योंकि ये पार्कलैंड फार्मूला से अपन निकाल सकते हैं, जैसे 4 ml पर kg, और ये 22 kg के पेशेंट के लिए है दोस्तों, ये 22 kg के लिए है, क्योंकि IGMS के पेपर में 22 kg का पेशेंट था, तो उसको अगर अपन निकालेंगे तो 22 kg गुना कर लेंगे 50 से और 4 ml से, तो ये लगभग 4400 के लगभग आ जाएगा, तो आधा अपन 8 आवर में दे देते हैं, बाकी आधा 8 आवर बाद देते हैं। VVM किसके लिए देते हैं? पल्स पोलियो के लिए। सिक टेस्ट डिप्थीरिया के लिए। सुसाइडल टेंडेंसी सबसे ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन में होती है। डिगोक्सिन टॉक्सिसिटी, येलो विजन। दोस्तों, ये डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, अगर सबसे पहला आए कि सबसे पहली टॉक्सिसिटी क्या होती है डिगोक्सिन की, तो सबसे पहली टॉक्सिसिटी होती है डिगोक्सिन की, वो होती है एनोरेक्सिया। BCG कौन से रूट से देते हैं? काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, BCG अपन ID रूट से देते हैं। क्रॉनिक डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकेक्टेसिस हो जाता है, और ये किस में होने के चांसेस होते हैं? सबसे ज़्यादा जो स्मोकिंग करते हैं उसमें। इंसुलिन सबसे ज़्यादा डिक्रीज कौन कर देता है? फास्टर, वो रैपिड एक्टिंग वाला करता है। फ्लूइड वॉल्यूम इन्फ्लेट फोलिस कैथेटर, 10-15 ml यूज करते हैं, यूजुअली अपन 10 ml ज़्यादा यूज करते हैं, और इसमें यूज करते हैं अपन करते हैं डिस्टिल वाटर, नॉर्मल सलाइन कभी यूज नहीं करते दोस्तों, ध्यान रखना। कांस्टेंट बबलिंग ड्रेनेज इंडिकेट एयर लीकिंग, अगर कांस्टेंट हो रहा है, लेकिन अगर मान लो आपका आ जाए कि न्यूमोथोरक्स का पेशेंट और कांस्टेंट बबलिंग हो रही है, तो वो नॉर्मल कंडीशन है, एयर लीकिंग नहीं है उसमें, क्योंकि एयर तो न्यूमोथोरक्स में होती है। कन्फर्म टेस्ट्री एनजी ट्यूब को अपन कन्फर्म किससे कर सकते हैं? एक्सरे से। मैक्सिमम फ्लोरेट ऑक्सीजन कैनुला, दोस्तों ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, एम्स रायपुर में भी आ चुका है, एम्स निरी भोपाल का एग्जाम था उसमें भी आया था, 4-6 liter देते हैं अपन इसमें। पार्टोग्राफ यूज, लेबर प्रोसेस को पार्टोग्राफ मॉनिटर यूज करते हैं। अगर एक नर्स है जो साइड रेल को ऊंचा नहीं किया और पेशेंट गिर गया, तो उसे क्या कहेंगे अपन? नेग्लिजेंसी कहेंगे उसे। मलेरिया में कौन सा बॉडी ऑर्गन अफेक्ट होता है? दोस्तों सबसे ज़्यादा लीवर अफेक्ट होता है, इसके बाद स्प्लीन इफेक्ट होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में अगर मान लो लीवर नहीं है तो आपको स्प्लीन लगाना है। स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन टर्म, इसको डेमोग्राफी कहते हैं अपन। कंप्लीट कवर इंटरनल OS, इसको कहेंगे अपन सेंट्रल वाला, सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया। द बॉइलिंग मेथड ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट, किसको अपन बॉइल नहीं कर सकते? सीजर, क्योंकि ब्लंट हो जाएगा ये। सिक्रेशन ऑफ द मिल्क डिपेंड अपॉन हार्मोन प्रोलैक्टिन के ऊपर, अगर सिंथेस सिक्रेशन किसके? प्रोलैक्टिन के ऊपर, और इजेक्शन आ जाए तो किसके ऊपर? ऑक्सीटोसिन के ऊपर। ऑक्सीटोसिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर,
किसके लिए? यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीटोसिन। प्राइमरी पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का, प्रमोट पेशेंट केयर। ड्रग यूज इन द मेनिया, मेनिया में सबसे जो ड्रग यूज करते हैं अपन वो लिथियम होता है, मूड स्टेबलाइजर होता है दोस्तों, और इसका ब्लड लेवल मॉनिटर करते रहना चाहिए, 12 आवर बाद मॉनिटर करते हैं इसमें। द वेट ऑफ द बेबी रीच नॉर्मल, अगर थ्री टाइम अगर वेट की बात करें तो 1 ईयर पे, अगर डबल टाइम की बात करें तो 6 मंथ पे। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन एम्पटाइंग ऑफ द कंटामिनेटेड वुंड सेक्रेशन, वुंड सेक्रेशन को अपन अगर कंटामिनेटेड वुंड सेक्रेशन कर रहे हैं तो अपन स्टैंडर्ड प्रिकॉशन यूज करते हैं। अगर मान लो HIV पेशेंट का BP लेना है तो उसमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशन यूज तो करते हैं लेकिन इतना नेसेसरी नहीं है क्योंकि वो ब्लड कॉन्टेक्ट से फैलता है। चीजी ग्रीस सबस्टेंस फॉर्निक कैसियोसा से, ऑटोक्लेव का जो टेम्परेचर है 121 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है और 15 IBU होता है। दोस्तों ये ध्यान रखना है कि ये फारेनहाइट में होता है, ये इसमें डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, फारेनहाइट में नहीं होता है, फारेनहाइट में ज़्यादा होगा, 250 के समथिंग होगा। विच ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्डोम मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रोफिलैक्सिस, वैसे सबसे ज़्यादा जो ड्रग प्रोफिलैक्सिस एनाफाइलैक्सिस सबसे ज़्यादा किसकी वजह से होता है? पेनिसिलिन से, लेकिन IGMS में आल ऑफ अबोव आएगा जो क्वेश्चन था उसके अनुसार। सडन आउटब्रेक ऑफ डिजीज एपिडेमिक, यूरेटर कैरी यूरिन फ्रॉम ब्लाडर, जो यूरेटर होती है किडनी से वहाँ से लेके आती है। अगर मान लो इसका एक क्वेश्चन भी आया था कि यूरेटर कैरी ऑफ द यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लाडर, तो परसिस्टेंट पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के द्वारा लेके आती है। प्रोटीन इज मेड अप फ्रॉम, अमीनो एसिड से बना होता है। प्रायोरिटी इन द हेड इंजरी पेशेंट, हेड इंजरी पेशेंट की अपन वो एयरवे मेंटेन करेंगे। क्लेप्ट लिप पेशेंट के लिए क्या क्या करेंगे अपन? अवॉइड क्राइंग, बच्चों को क्राइंग से प्रिवेंट करेंगे क्योंकि नहीं अगर क्राइंग किया तो वो जो अपन ने सूचर लगाए वो सेपरेट हो सकते हैं। सेपरेट इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉन इन्फेक्टेड पर्सन इस टर्म यूज, उसे कहते हैं अपन आइसोलेशन। रिस्क फैक्टर ऑफ इंट्राक्रैनियल हेमरेज, इंट्राक्रैनियल हेमरेज का जो रिस्क फैक्टर है वो हाइपरटेंशन है। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट ऑफ द GCS एक्सेप्ट, जो ग्लास्कोकोमा स्केल होता है दोस्तों आप याद रख सकते हैं EVM से, EVM इसके कंटेंट होता है आई रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स और मसल्स रेस्पॉन्स या मोटार रेस्पॉन्स, तो कफिंग इसका रेस्पॉन्स नहीं है। ठीक है दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, एनक्लेक्स गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। आपका अपना प्यारा मित्र हेमंत कुमार, थैंक यू।